हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको इसके इस टेबल के स्टैंड के बारे में बताना चाहती हूँ। जो इसका स्टैंड है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसका ये थोड़ा सा रबड़ का ग्रिप दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी ये जो यहाँ से है, ये देखिए काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छे से इसको फिनिशिंग की गई है। दूसरी तरफ यही सेम है। और जो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो टेबल होते हैं उनका जो रहता है वो ज़्यादातर स्टैंड बस यहीं तक आता है, ऐसे ही इसका भी यहाँ तक आएगा, लेकिन ये काफ़ी दूर तक जा रहा है। तो जब आप बैठकर पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, काफ़ी जगह दे रहा है। मैं अपने अगली वीडियो में इन दोनों का किसी नॉर्मल टेबल से कंपेयर करके भी दिखा दूंगी, बट मैं अभी आपके इसके क्वालिटीज़ बता रही हूँ। मेरी और भी कई वीडियोस इस टेबल पे पड़ी हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं आपको इसको नीचे से भी दिखाती हूँ। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा जगह है इसमें, तो इसकी वजह से अगर आप इस पर बैठ के पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। प्लस इसमें जो ये पैटर्न बनाया है इस तरीके से सेमी सर्कल हल्का सा काटते हुए, तो इसकी वजह से अगर आप बैठते हैं इस पर टेक लगा के तो आप इस पर बहुत ही कम्फर्टेबल फील करेंगे और आपको ये इस पर पढ़ने पर आसानी रहेगी। मैंने इस पर और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप देख सकते हैं इसके और की क्वालिटीज़ के बारे में। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी फिनिशिंग अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है ये काफ़ी मजबूत बनाया गया है इस तरीके से, इस पर एक अलग सा ग्रिप लगा के, एक अलग सा जो कि हर टेबल पे नहीं होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ नॉर्मल टेबल्स भी जिसमें नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो उचड़ने के चांसेस होते हैं। तो ये काफ़ी मजबूत भी है आपका, कंफर्टेबल भी है, आप इसे लंबा यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो आप इसे एक बार जब भी मार्केट में जाएँ एक बार देखें ज़रूर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।